पाकिस्तान में ट्विटर पर भारत की एक बेटी की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई। जिन नापाक कोशिशों को जोरदार झटका इस भारत की बेटी ने ही दिया। लड़की की शिकायत पर पाकिस्तान डिफेंस यानी @defensepk नाम का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाया है भारत की इस बेटी ने। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत का रुख करेंगे। नीरज, जिस लड़की ने हाथ में जो एक बैनर पकड़ा हुआ है उसको बदलकर पाकिस्तान के इस ट्विटर हैंडल ने कुछ और लिख दिया था, क्या क्या कुछ लिखा गया था? बिल्कुल पल्लवी, ये जो ट्विटर अकाउंट है डिफेंस पीके, इसने ये फोटोग्राफ है, दरअसल ये दिल्ली की ही रहने वाली छात्रा है और इसने एक कैंपेन में पार्ट लिया था जिसमें जो मुस्लिम के खिलाफ जो लिंचिंग हो रही थी और उसके खिलाफ किया था, लेकिन उसको जो डिफेंस पीके जो ट्विटर अकाउंट है उसने मॉर्फ किया और उसको चेंज किया और उसकी जगह पर उसने भारत के खिलाफ जो दुष्प्रचार शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में कश्मीर को लेकर और नागालैंड को लेकर उसमें जो बातें की गई थी, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है हमें, जो उसने किया मॉर्फ किया, उसी की शिकायत पर इस छात्रा ने शिकायत की जो कवलप्रीत कौर जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसके कंप्लेंट पर ही जो डिफेंस पीके अकाउंट है इसको सस्पेंड कर दिया है ट्विटर ने। दरअसल ये डिफेंस पीके अकाउंट जो है तो ये एक प्राइवेट अकाउंट है, लेकिन इसकी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए इसको ट्विटर ने ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड अकाउंट इसको दे दिया था। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये दुष्प्रचार भारत के खिलाफ लगातार करता रहता था, फेक फोटोग्राफ डालता था, फेक पोस्ट डालता था, उसी को लेकर ही ट्विटर ने इस अकाउंट को अब सस्पेंड कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए, लड़की के हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा कुछ और था, लेकिन उसके बाद जो ये पाकिस्तान का डिफेंस का जो अकाउंट है @defensepk, इस अकाउंट के इसको कर दिया गया कि आई हेट इंडिया, की जैसे लड़की ने अपने हाथ में ये देखिए ये पकड़ा हुआ हो, आई एम इंडियन बट आई हेट इंडिया। लड़की ने इसकी शिकायत ट्विटर से की और ट्विटर ने इस हैंडल को सस्पेंड कर दिया, जो कि इस लड़की के साथ साथ देश की भी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह का दुष्प्रचार इस अपने ट्विटर हैंडल से कर रहा था, हालांकि ये प्राइवेट अकाउंट था। पाकिस्तान को भारत की बेटी ने सिखाया सबक। पाक को महंगा पड़ा झूठ का सौदा। बंद हुआ पाकिस्तान से चलने वाला ट्विटर हैंडल। यह पाकिस्तान का वो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है जिसे झूठ के सहारे भ्रम फैलाने का दोषी मानने के बाद ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में पाकिस्तान हमेशा से आगे रहता है और इस जल्दबाजी में वो ऐसी गलतियां भी कर देता है जिसके बाद पूरी दुनिया में उसका मजाक बनाया जाता है। इस बार भी पाकिस्तान की जल्दबाजी उसे भारी पड़ी है। पूरे मामले की शुरुआत कवलप्रीत कौर के ट्विटर हैंडल पर मौजूद इस तस्वीर से हुई। दरअसल कवलप्रीत ने भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर जून 2017 में चले कैंपेन नॉट इन माय नेम में हिस्सा लिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ जो अपने धर्म निरपेक्ष संविधान के साथ खड़ी हूँ। मैं मुस्लिमों के सांप्रदायिक मॉब लिंचिंग के खिलाफ लिखूंगी। अब आप पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल की उस करतूत को देखिए जिसने पूरे पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा करके रख दिया। पाक डिफेंस नाम के इस ट्विटर हैंडल से कवलप्रीत कौर की इस तस्वीर को भारत के खिलाफ मॉर्फ करके इस्तेमाल किया गया और कवलप्रीत के संदेश को बदल दिया, जिसमें लिखा था, मैं भारतीय हूँ लेकिन मुझे भारत से नफरत है क्योंकि ये औपनिवेशक इकाई है जिसने नागा, कश्मीर, मणिपुर आदि राज्यों पर कब्जा किया है। पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब हो पाता उससे पहले ही कवलप्रीत ने इस प्रोपेगेंडा की शिकायत ट्विटर से कर दी, जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ट्विटर ने पाक डिफेंस नाम के इस ट्विटर हैंडल को बंद कर दिया। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए फर्जी तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी UN में मलिहा लोधी ने फिलिस्तीन की महिला की फर्जी तस्वीर दिखाकर कश्मीर का बताया था, जिस पर पाकिस्तान की थूथू हुई थी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।